बड़ा बड़ा चिकन पीसेस और इंडियन स्पाइसेस मसाला से भरपूर चिकन पकौड़ा जो है हम लोग का घर का देसी स्टाइल। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी है पूरा गर्मा गर्म, और भी ये सर्दियों का टाइम में चिकन पकौड़ा वो भी पूरा हम लोग का देसी स्टाइल या होम स्टाइल से आज हम आपको बना के दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। इधर देखिए एक चिकन ब्रेस्ट जो है हम इधर लिया हूँ, बड़ा साइज का है। ये दोनों पीसेस का वेट है आपका 750 ग्राम, 750 ग्राम का है। इसको ऐसा जो है साइड पीसेस जो है इसको काट करके फेंक देना है क्योंकि थोड़ा उसमें फैट रहता है। और इधर चिकन जो लेग पीस है इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए जो चिकन लेग पीसेस है बीच से जॉइंट से जो आप कट करेंगे तो वो कट जाएगा। और इसको भी एक पीसेस करेंगे, चिकन जो है 6 पीसेस करेंगे और बड़ा बड़ा चिकन साइज करेंगे और खाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, पूरा क्रिस्पी अंदर से जूसी भरपूर रहेगा। और आपको घर में जो मसाला है वही मसाला से हम बनाना है, आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त है। यह आप देख सक रहे होंगे चिकन ब्रेस्ट को हम कट कर लिया हूँ। इधर देखिए चिकन जो लेग पीसेस है और जितना पीसेस है इसमें भी थोड़ा सा कट लगा लूँगा। ये देखिए 3 पीसेस करके कट लगा दिया हूँ क्योंकि उसका अंदर मसाला जो है अंदर से जाने के लिए आपको कट लगाना होगा। और इसमें हम थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आपका नमक यूज़ करूँगा, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 लेमन स्लाइस जो है इसको इसमें पूरा जूस निकाल देना है। अब इसमें बेसन जो है नॉर्मल बेसन अभी उसमें 1 कप करीब हम डालूंगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून देगी चिली मिर्च डालूंगा थोड़ा स्पाइसी वाला, ये आपका अजवाइन। और इसको हाथ से ऐसा आपको थोड़ा दल के इसको डालना है क्योंकि आप मैश करके डालेंगे ना उसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, ये ज़बरदस्त फ्लेवर आता। आप एक बार घर में ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। और इधर हम 1/2 टेबल स्पून करीब आपका हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून करीब धनिया पाउडर। अब इसमें 1 अंडा को इसको डालकर बहुत ही अच्छा सा आपको मैरिनेट करना होगा, कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको मैरिनेट करिए और अच्छा से इसको मिक्स कीजिए। अब जितना अच्छा से आपको मिक्स करेंगे मसाला उसका अंदर इतना अच्छा जाएगा और ये खाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। क्योंकि ये रेसिपी हम जब बनाया था खुद हम खाया, मेरा भैया को खिलाया, मेरा फैमिली मेम्बर को खिलाया। और इसमें थोड़ा सा आपको पानी भी डालना है क्योंकि थोड़ा टाइट होता है, हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छा से मिलाना है। जब फ्राई किया सब खाए तो बोले बहुत ही, हम सच बात बोल रहे हैं, हमको बहुत ही टेस्टी लगता और बहुत ही स्वादिष्ट लगता। आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए इस स्टाइल से। और इसका जो कट पीसेस है ना आपको इसमें उंगली डाल डाल कर इसको अच्छा से मैरिनेट करना है। आप हाथ से इसको मिक्स कीजिए तब आपको मैरिनेट जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और कढ़ाई में आपको ऑयल गरम करना है, ऑयल को आप ओवर गरम नहीं करें क्योंकि जो ओवर गरम करेंगे तो क्या होगा ना आपको चिकन पकौड़ा आप जब फ्राई करेंगे काला हो जाएगा। अब चलिए एक एक चीज चिकन पीसेस से इसको डाल देंगे। चिकन पकौड़ा जो पीसे से डालने के बाद गैस का फ्लेम आपको पूरा लो नहीं करना है, इसको थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए क्योंकि चिकन पीसे आप जब डालेंगे तेल का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा गैस का जो फ्लेम है मीडियम हाई कर देना है। आप देखिए चिकन पकौड़ा फ्राई हो रहा है, इंतज़ार करेंगे हाफ डन फ्राई होने तक, तब तक थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। देखिए कैसे फ्राई हो रहा, ये देखिए चिकन जो लेग पीसेस है पूरा पीसेस आप देख सक रहे होंगे ये हाफ फ्राई हो चुका है। अब जब भी चिकन पकौड़ा घर में बनाए इसको कम से कम आप इसको निकाल दीजिए हाफ फ्राई करके, उसका अंदर का जो जूस है थोड़ा आपका ड्राई हो जाएगा तब आपका चिकन पक जाएगा। इसके लिए जो चिकन पकौड़ा जितना आपका है इसको क्या करना है ना निकाल देंगे, पूरा थोड़ा निकाल के 1-2 मिनट के लिए बाहर रखेंगे, फिर इसको रीहीट इसको करना है ऑयल को, अब फिर इसमें ऑयल में डालना है। ये देखिए चिकन लेग पीस कितना ज़बरदस्त फ्राई हुआ, अभी देखिए फिर दोबारा से तेल में इसको डालना है। डालेंगे तो आपको जो पकौड़ा होगा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और चिकन का अंदर बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और जूसी भी रहेगा।
अब एक एक पीसेस करके डाल देना। इसको ओवर ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, हल्का एक मिनट तक वो फ्राई करना और निकाल लेना है। ये देखिए फ्राई मेरा देखिए हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। आप देख सक रहे होंगे कलर भी कितना मस्त है और बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए चिकन पकोड़ा एक एक करके हम निकाल लूँगा। ये देखिए लेग पीस पूरा बहुत ही बढ़िया फ्राई हुआ है, आपको दिखाऊंगा आपको कैसा मालूम चलेगा जो चिकन लेग पीस फ्राई हुआ। ये देखिए जैसा आपका जो फटा हुआ चीज़ है ये जैसे ही हो जाएगा आप समझ जाएंगे जो चिकन आपका पूरा पक चुका है। और ये देखिए पूरा पक चुका है पूरा बढ़िया से और सॉफ्ट है जूसी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा। इधर देखिए एक एक कर पीसेस करके इधर निकाल लेना है। ये देख सकते हैं आप, ज़रूर फैमिली मेंबर का साथ बनाइए। और ये विंटर सीजन है, ठंडा का टाइम में गर्मा गर्म चिकन पकौड़ा जो मेरा रेसिपी है इस हिसाब से आप ज़रूर बनाइए। बनाने का बाद आप खाइए, आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरा जो सेम रेसिपी है आप इस हिसाब से बनाएंगे तो सच में बोल रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आप देखिए कितना अच्छा कलर है, एकदम स्ट्रक्चर कितना बराबर है, अंदर से भी सॉफ्ट है जूसी है, बहुत ही बढ़िया है। फैमिली मेम्बर साथ एंजॉय कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।